हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर गैलरी का फ़ोटो मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं लग रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी मैं लगा रहा था, कोई भी यहाँ पर फ़ोटो हमारे स्क्रीन पर नहीं लग रहा था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और फ़ोटो को लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अब आपको आना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग खोजनी है जिसका नाम है ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर। तो ये सभी मोबाइल में होता है, आपको इसे खोज कर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए, फ़ोटो वाले ऑप्शन को, ऐप को यहाँ पर खोजना है गाइस। जहाँ कहीं भी दिखे आपको उस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। जैसे इतना कर लेंगे अब आपको बैक आना है, फिर गैलरी को चलिए अब ओपन करते हैं, फ़ोटो को ओपन करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू, और अब एल्बम पर क्लिक करते हैं। फिर जहाँ पर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमें फ़ोटो जहाँ से लेना है, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं उस फ़ोटो को ले लेना है। तो जैसे कि मैं इस फ़ोटो को लगाना चाहता हूँ, अब नीचे यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। फिर गाइस देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट एज वॉलपेपर, इस पर क्लिक करना है और फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं या फिर होम स्क्रीन पर या फिर दोनों पर, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो मैं होम स्क्रीन पर लगाना चाहता हूँ तो मैं होम स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ और देखिए फ़ोटो हमारा लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।